जल जीवन हरियाली योजना को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर जीविका दीदी के माध्यम से मशरक प्रखंड के कवलपुरा पंचायत के कवलपुरा गांव में सैकड़ों जीविका दीदियों के बीच पौधों का वितरण किया गया। जीविका दीदी के द्वारा समाज के लोगों में पौधा वितरण करने का लक्ष्य भी दिया गया है। इसी क्रम में रविवार को जीविका सीएमओ रिया कुमारी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सभी जीविका दीदियों को ग्राम संगठन के माध्यम से पौधे वितरण किए गए। सभी ने पौधे से पेड़ बनने तक के संरक्षण के लिए एक स्वर में प्रण लिया है ताकि आने वाले भविष्य के लिए फलदार वृक्ष में फल लगे और उनके बच्चे इसके फल खाए और इसका फायदा ले सके। वहीं पौधे से पर्यावरण साफ रहे इस बात की भी जानकारी दी गई। मेरा नाम रिया कुमारी है, मैं कलपुरा पंचायत में सीएम के पद पे कार्य करती हूँ। सूरजी का महिला ग्राम संगठन मेरे जीव का नाम है। मेरे जीव का मैं सभी दीदियों के लिए सरकार की तरफ से जन जीवन हरियाली के लिए पौधे आए हैं, उनको सभी दीदियों की तरफ मुफ्त में बांटे जाएंगे जिससे हमारे वातावरण शुद्ध हो, जो बारिश की कमी आ रही है उसको इससे पूर्ति किया जाए, जो कि हमारे समाज के लिए हरियाली अति आवश्यक है। जुरो दीक्षांत से पाव छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विथ एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।